आज फिर आपके लिए एक और नया बिजनेस मॉडल लेके आए हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगेगी और जिसमें आपको प्रॉफिट और मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा और उसको सेल करना भी बहुत इजी है। तो आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म स्किल अप में। तो आज बात करते हैं हम ऐसे बिजनेस के बारे में जिसे करके आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, आपको मार्जिन अच्छा मिल जाएगा, आप प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हो और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करना भी बहुत इजी है। तो आज बात करते हैं हम कूलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में कि यार ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, ऐसा क्या है इस बिजनेस में कि जिसे करके हम काफी पैसा अर्न कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। देखिए हम इसकी पहले बेसिक चीजें जानते हैं। देखिए कूलर का जो आज के टाइम पे कूलर है ना, कूलर एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है कि जो हर कोई जो भी कूलर में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा है। वो रेस्टोरेंट, वो स्टॉल, वो होटल, आप कहीं पे भी देख लोगे तो वहां पे उसकी डिमांड आपने देखा होगा। यूट्यूब पे कोई भी कूलर में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो काफी लोग फेमस कर रहे हैं कि यार ये बंदा कूलर में प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कूलर में चाय बेच रहा है ना। देखिए कूलर आज के टाइम पे एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है। क्यों? क्योंकि हर किसी का एक टाइम आता है। पहले के टाइम पे कूलर को ज्यादा लोग पूछते नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे कूलर आपने देखो मार्केट में कि कूलर वाली चाय हो गई आपकी, है ना, या कूलर में काफी तरह के प्रोडक्ट सेल होते हैं मार्केट में। तो इसी तरीके से आप अगर इस बिजनेस को करते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इस बिजनेस में मिल जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हो काफी जगह कि कूलर में जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उनकी डिमांड कितनी है मार्केट में। आपने देखा होगा मार्केट में अलग अलग तरह की कूलर चलती हैं, अलग अलग तरह की, डिजाइनर कूलर, नॉर्मल कूलर, प्रिंट में कूलर, है ना, अलग अलग तरह की कूलर चलती है। वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर वो आप वैसे ही कूलर उसको बना के दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें रॉ मेटेरियल क्या लगेगा, है ना। तो देखिए रॉ मेटेरियल इसमें क्या है, इस बिजनेस में सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसका रॉ मेटेरियल कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि यार आपको कहीं बाहर जाना होगा या किसी से कॉन्टेक्ट करने होंगे जब भी आपको रॉ मेटेरियल मिलेगा। और इसका रॉ मेटेरियल ऐसा है जो आपको एक फ्री बराबर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक फ्री के बराबर ही उसका रेट है ना। इसमें क्या लगता है रॉ मेटेरियल आपका, क्ले, मिट्टी, सबसे मेन प्रोडक्ट होता है इसमें मिट्टी, है ना। इसका रॉ मेटेरियल जो है वो है मिट्टी, मिट्टी से ही आपकी कूलर बनती है। सेकंड आपका हो गया पानी, मिट्टी और पानी मिक्स हुआ उसके बाद आप कूलर इजीली इसको बना सकते हो। अब बात करते हैं इसमें मशीन की कि यार इस प्रोडक्ट को बनाने में मशीन की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले आती है आपकी कूलर मेकिंग मशीन, ठीक है, और सेकंड आपकी आती है मिक्सर मशीन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यार इस बिजनेस में कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सबसे पहले मैं समझाता हूँ यार इसमें मिक्सर मशीन का क्या यूज है। देखिए आपकी मिक्सर मशीन है ना, मिक्सर मशीन में आपको मिट्टी पानी मिक्स करना है, उसके बाद मिक्सर मशीन का आपका प्रोसेस हो गया खत्म। खाली आपकी मिक्सर मशीन जो आएगी यूज में आएगी वो आपकी मिट्टी पानी को मिक्स करने के लिए आती है। इसमें दो ही रॉ मेटेरियल होते हैं आपका, मिट्टी और पानी, ठीक है, जो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर आप चाहो ना इस बिजनेस में मिक्सर मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं भी पड़ती, आप इसको अगर ना भी परचेज करें तो जब भी आप इस बिजनेस को रन कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, उसको ना आपको हैंड अपने थ्रू ही उस मिट्टी पानी को मिक्स करके डायरेक्ट इस मशीन में क्या प्रोसेस होता है, इस मशीन में आपकी यहाँ पे होती है डाई। ठीक है, आपको अलग अलग तरह की कूलर बनवानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप अलग अलग तरह की, देखा है ना आपने कि अलग अलग तरह की कूलर चलती है, कोई किसी साइज की चलती है 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, मार्केट में अलग अलग तरह की कूलर चलती है, तो आपको उसी के तरीके की एक डाई बनवानी पड़ेगी। आपको डाई इजिली बन जाएगी आपकी। ठीक है, वो डाई इसमें लगती है, उसमें मिट्टी डलती है, इसको प्रेस किया जाता है, आपकी कूलर बनके तैयार हो जाती है। उसके बाद आपको कूलर को धूप में थोड़ी देर सुखाना होता है क्योंकि वो गीली होती है ना, तो आपको सुखाना होता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है भट्टी। आपने देखा होगा कि भट्टी जो होती है ना, जैसे ईंट बनती है हमारी, भट्टी होती है, भट्टी में आपको वो प्रोडक्ट डालना पड़ेगा जिससे कि वो पकेगा और पक के आपका एक मजबूत कूलर बनके तैयार हो जाएगी। और आप इस मशीन से, आप ये नहीं कि यार इस मशीन से आप खाली कूलर ही बनाओगे, आप इस मशीन से दिए बना सकते हो, खिलौने बना सकते हो, काफी किचन आइटम बना सकते हो। ठीक है ना, तो काफी तरह का प्रोडक्ट आप एक इसी मशीन से बना सकते हो इजीली। ठीक है, तो इस बिजनेस में ये दो मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इजीली आप इस बिजनेस को रन कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि यार बिजनेस को स्टार्ट तो करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। तो इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी लगेगी 40 से 50 हजार रुपए की इजीली। ठीक है, इसमें आपका बिजनेस हो जाएगा स्टार्ट।
उसके बाद बात करते हैं कि मैन पावर आपको जो लेबर की रिक्वायरमेंट होगी उसमें आपको 2-3% की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आपका एक जो आपके कुल्लड़ बनाएगा, सेकंड आपकी पैकिंग भी होगी, है ना, आपका रॉ मेटेरियल भी मिक्स होगा, तो उसमें आपको 2-3 लेबर की रिक्वायरमेंट इजिली पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि एरिया। एरिया आपको इसमें 400 से 500 स्क्वायर फीट का एरिया इनफ है आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद इसमें प्रॉफिट की बात करते हैं कि यार इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं लेकिन हमें कितना अर्न कर सकते हैं, कितना मंथली हम इसमें कमा सकते हैं। तो आप 30,000 से 35,000 रुपए इजिली कमा सकते हो, वो भी दूसरे महीने से, क्योंकि फर्स्ट मंथ आप अपना बिजनेस सेटअप करते हो, अपना बिजनेस चलाते हो, आप मार्केट में जाते हो, अपनी कस्टमर, आपके जो कस्टमर है उनको आप जोड़ोगे, तो धीरे धीरे आप 30,000 से 35,000 रुपए सेकेंड मंथ से, अगर आप प्रोडक्ट को थोड़ा एफर्ट लगाओगे बेचने के लिए, तो सेकेंड मंथ से आप 30,000 से 35,000 रुपए इजिली कमाने लगोगे। और जैसे जैसे आपके 5 से 6 महीने जाएंगे, 7 महीने जाओगे, तो आप इजिली इस बिजनेस में 1,00,000 रुपए तक इजिली कमा सकते हो। अब बात करते हैं कि कुल्हड़ आपकी बनके कितने में तैयार हो जाती है। देखिए, आपकी कुल्हड़ ना वो डिपेंड करता है उसके डिजाइन पे, उसके साइज पे, है ना, क्योंकि जो भी इसमें मेन चीज होती है इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है उसकी साइज और डिजाइन पे पड़ती है। अगर आप एक नॉर्मली कुल्हड़ बना रहे हो तो आपकी 2 से 2.5 रुपए की आपकी कॉस्टिंग आएगी, जिसे आप 5 से 6 रुपए में इजीली कस्टमर को दे सकते हो। ठीक है, अगर आप कुछ अच्छी कुल्हड़ बनाते हो, थोड़ी डिजाइनर कुल्हड़ बनाते हो, है ना, तो वो आपकी थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जैसे ही आप कुल्हड़ बनाओगे वैसे ही मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है, अगर बात करेंगे आप 3 से 4 रुपए इजिली एक कुल्हड़ पे भी बना सकते हो। अगर बात करें कि यार इस प्रोडक्ट को हम कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आपने देखा होगा आज के टाइम पे स्टॉल, कहीं पे भी स्टॉल होती है, कोई हर कोई स्टॉल पे कुल्लड़ पे चाय बेच रहा है, काफी तरह के प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, या आप इसे रेस्टोरेंट में, होटल्स में, काफी जगह इस प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हो। और दूसरी चीज, इसमें कोई ब्रांड नहीं होता कि यार कोई ये नहीं पूछता कि यार मुझे इस ब्रांड की कुल्हड़ चाहिए, क्योंकि यार एक मिट्टी का प्रोडक्ट है, इसमें कोई ब्रांड वैल्यू इतनी मायने नहीं रखती। ठीक है, अगर आप एक अलग तरीके से अपने ब्रांड को एक डिजाइनर कुल्हड़ बनाते हो तो इसको एक ब्रांड के तौर पे इसको ले जा सकते हो, नहीं तो यार आप अगर नॉर्मल तरीके से इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो इजीली इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, अगर आप चाहो इसे, इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जा सकते हो। अगर आप सर्च करोगे इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गए, मीशो हो गए, काफी कंपनी है, अगर उस पर आप सर्च करोगे तो काफी कुल्लड़ आपकी सेल हो रही है, जो डिजाइनर कुल्लड़ सेल हो रही है, जिसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अगर इसे ऑनलाइन भी सेल करते तो आप उससे भी दूसरे से तीसरे महीने में 20-25,000 रुपए खाली ऑनलाइन से कमा लोगे, और 30-35,000 रुपए आप लोकल मार्केट से कमा लोगे, कि मतलब आप 60-70,000 रुपए इजिली तीसरे चौथे महीने में कमाने लगोगे। ठीक है, अब बात करते हैं यार इसमें अगर बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो यार इसमें प्रॉफिट और आपके मार्जिन, तो वो डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको बताया, तो डिपेंड करता है यार आपके कुल्लड़ के साइज पे। आप कस्टम कुल्लड़ भी बना सकते हो, डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हो, उनके अकॉर्डिंग वो कुल्लड़ बना के उनको दे सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने। अगर इस बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी ऐप स्किल अप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पे। आप इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको जानना है इस बिजनेस के बारे में, तो आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हो, आप हम फॉलो भी कर सकते हो टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे भी।